तो क्या टॉपिक है आपको? रिलेशन बताना है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा प्रूफ करना है। सपोज करो आपके पास एक बॉडी है, किक बॉडी है, कोई भी शेप की, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो इमेजिन करो, ये मान लो क्लासरूम में आप बहुत सारे पार्टिकल हैं, आपको अगर मैं घुमाता हूँ गोल गोल, इस रूम को घुमाता हूँ, एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है, तो मेरा डिस्टेंस इस एक्सिस से डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, आपका डिफरेंट, आपका डिफरेंट है, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफरेंट है एक्सिस से, आर वन आर टू आर थ्री। पर हाँ, हम कैसे घूम रहे हैं, पहले हमारी स्पीड स्लो है, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, यानी कि इसमें क्या जनरेटेड है, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा। तो ये अल्फा का मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप ये सीखना है कि अगर आपको याद हो सर्कुलर मोशन में क्या करते थे, अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है और डिस्टेंस एक्सिस से आर वन है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, आर इंटू ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी देती थी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, आर ओमेगा। अगर मैं इन दोनों साइड्स को टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये क्या आ जाएगा, एल्फा। तो ये फॉर्मूला फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू आर टाइम्स एल्फा। ये फॉर्मूला काफी बार यूज होगा रोटेशनल मोशन के अंदर, जैसे वी इज इक्वल टू आर एल्फा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसे ए इज इक्वल टू आर एल्फा। ठीक, तो ये फॉर्मूला क्लियर है। अब पॉइंट ये है इसके अंदर कि सपोज करो ये पार्टिकल की टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ए वन है और एल्फा गिवन है इसका, तो ए वन क्या होगा, आर वन इंटू एल्फा, तो ए वन इज इक्वल टू आर वन एल्फा, ए टू इज इक्वल टू आर टू एल्फा, ए थ्री इज इक्वल टू आर थ्री एल्फा, ए एन इज इक्वल टू आर एन एल्फा। ठीक, अब ये बताओ पहले पार्टिकल पे टॉर्क क्या लग रहा है, हमें टॉर्क का फॉर्मूला आता है आर एफ बस, तो आर वन इंटू टेंजेंशियल फोर्स एफ वन, क्योंकि एंगल 90 होगा तो आर एफ साइन 90, साइन 91 होता है, तो टॉर्क क्या लगेगा, आर वन इंटू एफ वन, वेयर एफ वन इज टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या होती है, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और ए वन की वैल्यू क्या है, आर वन इंटू एल्फा, तो मल्टीप्लाई करके ये आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्टिकल पे टॉर्क क्या होगा, आर टू इंटू एफ टू, एफ टू क्या है, एम टू ए टू, ए टू क्या है, आर टू एल्फा, आंसर। ऐसी एनथ के लिए, तो टोटल टॉर्क पूरे सभी बॉडीज का मिला के क्या होगा, पूरी बॉडी पे ऐड कर देते हैं, ये मैंने ऐड कर दिया, इसमें से कॉमन आ गया, अब एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, ये क्या चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, प्रूफ हो गया। डेरिवेशन नहीं आएगी पेपर में, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि फिजिक्स के जो बंदे हैं वो ऐसे समझाते, देखा ऐसे हो गया, पर लेकिन मैं थोड़ा इनफॉर्मल समझा देता हूँ कि जैसे वो करते हैं वैसे वो करते हैं, काम खत्म करते हैं। ठीक,